डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, आपको पता है कि वो पहले इंडिया का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, जो कि ये तय करेंगे कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा रही है या नहीं जा रही। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जो है वो जो इंडिया की सिक्योरिटी प्लान थे या इंडिया की जितनी भी सिक्योरिटी थी जो पाकिस्तान टीम को जिन्होंने करना था जो है वो वर्ल्ड कप में, बिलावल भुट्टो ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसके ऊपर नो कह दिया है। और बिलावल भुट्टो ने बोला है कि हमें आपके वो प्लान समझ नहीं आ रहे, इससे हमारी टीम सिक्योर नहीं है। आपने पहले जो है वो वर्ल्ड कप का मैच 15 से 14 रखा, मतलब आपको पहले नहीं था पता कि नवरात्रि का आ रहा है, आपने फिर जो है वो सिक्योरिटी इधर लेके आनी है, तो मुझे ये प्लान की समझ नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो ने इसको भाईजान क्लियर लफ्ज में जो है वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की जो मीटिंग थी उसमें बिलावल भुट्टो, जितने भी फॉरेन मिनिस्ट्री के जितने भी बंदे थे वो सारे बैठे हुए थे, इसमें पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ भी बैठे हुए थे, और उस मीटिंग में ये बातें जब की गई हैं बिलावल भुट्टो, जाहिर सी बात है आपको पता है कि बिलावल भुट्टो इससे पहले कुछ आई थिंक 1-2 माह पहले गोवा जो इंडिया का उन्होंने दौरा भी किया था, और उधर उनके साथ बड़ा ना वो कहते हैं कि बड़ा गंदा सलूक किया गया था। बिलावल भुट्टो को ये भी तो अंदर से वो कहते हैं ना कि एक हार है, एक अंदर से ये भी गुस्सा है कि जी मेरे साथ इन्होंने बड़ा बुरा सलूक किया, मेरे साथ इन्होंने ये किया, मेरे साथ इन्होंने वो किया, और उस वजह से भी फिर बिलावल भुट्टो ने ये बात भी सामने रखते हुए पीसीबी चेयरमैन जका अशरफ से इस बात की अपील की, और बोला कि आप आईसीसी के से बात करो कि हमें जो है वो नहीं इतबार जो है इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर है, इंडिया की सिक्योरिटी से हमारी टीम सेफ नहीं है, इंडिया की सिक्योरिटी वैसे भी अच्छी नहीं होती, आप पाक आर्मी को देख लो या इंडिया की आर्मी को देख लो, अगर उनमें कंपैरिजन किया जाए, ये बिलावल भुट्टो ने बोला, तो इंडियन आर्मी कुछ भी नहीं है, इंडिया की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, ये बात बिलावल भुट्टो ने की है। कि फिर जका अशरफ से उन्होंने बोला कि आप आईसीसी से डायरेक्ट बात करो कि हमें लिख के गारंटी दो, हम जो है वो फिर हम सेटिस्फाइड होंगे कि अगर आप मुझे आप हमें पेज पर लिख के गारंटी दोगे ना कि हमारी टीम सेफ है, फिर हम जो है अपनी टीम को भेजेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, हमें अपनी टीम ज्यादा प्यारी है, हमें अपनी टीम हमें हमें ये नहीं हम जो है बर्दाश्त करेंगे कि हमारी टीम के ऊपर कोई हमला किया जाए या हमारी टीम को कुछ बोला जाए। मतलब यार है, अब हर चीज सॉल्व हो चुकी हुई है, इनको अब फड्डा करना फिर पड़ रहा है, इनको फिर फड्डे की उंगल आ गई है भाई जान, इनको फिर फड्डे की उंगल आ गई है। अब फड्डे की उंगल इनको क्या आ गई है कि पाकिस्तान के 2 से 3 मैच आगे पीछे किए गए हैं, इनको फड्डा आ गया जी, ये तो सिक्योरिटी के मसले लेके चल पड़े हैं। और एक और बात है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी आपको पता है कि डेलीगेशन इंडिया जाना था जिस टीम ने, वो तो हर बार जाती है, वो तो हर बार जाती है, वो 2016 में भी गई थी, और 2016 में जब वो वापिस आए थे उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान के लिए वो इवेंट वो जो है वो ग्राउंड सिक्योर नहीं है। पहले धर्मशाला में 2016 में पाकिस्तान इंडिया का T20 का मैच हो रहा था, फिर वो धर्मशाला से उठा के आप जो है वो कलकत्ता में ले गए थे, ये बात पहले भी हो चुकी है, मतलब तब तो कुछ भी नहीं था हुआ, तब तो कुछ भी मसले शसल नहीं थे हुए, अब ऐसा क्या हो गया कि जी अब मसले आ रहे हैं। अगर अब सिक्योरिटी टीम ने ये बोल दिया है कि जी वो सेफ नहीं है, या सिक्योरिटी मसले आ रहे हैं, या पाकिस्तान टीम के लिए जितने भी इन्होंने प्लान्स किए हैं वो अच्छे नहीं है, तो बिलावल भुट्टो ने रिजेक्ट कर दिया, अब ये मसले क्यों आ रहे हैं, तब ये मसले क्यों नहीं थे आए। मतलब यार तब तो ग्राउंड भी चेंज किया गया था, अब तो ग्राउंड भी चेंज नहीं किया जा रहा, अब तो अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा, इवन के अब वो वाला मसला नहीं है, अब इंडिया की नवरात्रि या 15 को 14 को मैच रखा गया है, बस ये वाला मसला है, और कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। और मसला एक है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जब खुद गए थे ना इंडिया गोवा में, तो भाईजान इंडिया के हर बंदे ने इनके साथ वो सलूक किया था कि जो बिलावल भुट्टो बता भी नहीं पाते किसी को। इंडिया में इंडियन मीडिया में ये बस चीजें चली थी ना कि ये टेररिस्ट है, इंडियम इंडिया के जितने भी उधर लोग बैठे हुए थे उन सब ने जब ये बातें की, इंडिया के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर थे जब उन्होंने ये बातें की कि जी ये टेररिस्ट है, इसके साथ यही सलूक करना चाहिए था ये के, और बिलावल भुट्टो ने ये बात खुद भी जो है वो उधर जितने भी लोग बैठे हुए थे मीटिंग में, जब पीसीबी की मीटिंग की गई है जिसमें जितने भी फॉरेन मिनिस्टर थे या पीसीबी के चेयरमैन थे, या जब भी बिलावल भुट्टो ने ये बात उधर भी की है कि मेरे साथ इन्होंने अच्छा सलूक नहीं था किया, उधर मेरे साथ इन्होंने बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं था किया, तो मैं अपनी टीम को ऐसी कंट्री में भेजूंगा ही नहीं कि जिधर मेरी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, मेरी टीम के साथ किस तरह अच्छा सलूक किया जाएगा। मतलब पाकिस्तान के मैं भी पाकिस्तानी हूँ, फिर पाकिस्तान टीम भी पाकिस्तानी है,
मैं गया था, वो ज्यादा बंदे जाएंगे। अगर एक के साथ ये अच्छा डील नहीं कर पाए तो ज्यादा लोगों के साथ ये किस तरह अच्छा डील कर पाएंगे। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जितनी भी सिक्योरिटी प्लान थी इंडिया के बीसीसीआई के, वो भाईजान रद्द कर दी है, उनको रिजेक्ट कर दिया। आईसीसी को डायरेक्ट धमकी दी है कि हमें लिख के गारंटी दो वरना हम जाएंगे, उसके बाद फिर हम नहीं जाएंगे। लिख के गारंटी दोगे ना, लिख के एक पेज लो उसके ऊपर लिख के आईसीसी को बोलो गारंटी दें। ये बिलावल भुट्टो ने खुद पीसीबी चेयरमैन जक्का अशरफ से बोला है कि हमें लिख के गारंटी चाहिए फिर हम इंडिया जाएंगे। मेरी एक बात सुनो इधर जरा, मैं ना एक अलग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है ना, ऐसे ही चाह रहे हो, ऐसा ही होना है कि पाकिस्तान में हो, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में होगी, लेकिन अभी तक लग रहा पाकिस्तान में ही है। कल को अगर इंडिया ये बात करता है कि हमें लिख के दो, दोगे लिख के, फिर तो आप ये बोलोगे ना कि दूसरी टीमों ने तो नहीं लिख के गारंटी मांगी। आप अपनी तरह दफा देख लो कि आप अपनी दफा क्या कर रहे हो, फिर आप इंडिया की दफा ये ना कहना कि जी इंडिया गलत कर रहा है। अब आप अपनी दफा देख लो कि आप खुद क्या कर रहे हो, खुद आप वो कर रहे हो जो कि मैं कहता हूं इंसान का बच्चा तो कर ही नहीं सकता। हर चीज फाइनलाइज हो चुकी है, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, आपने जाना भी है, पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप खेलने जाना भी है। पहले इन्होंने कितने पंगे किए, एशिया कप, वर्ल्ड कप, एशिया कप, इन्होंने जाना भी है, लेकिन अब ये लोग नया तमाशा लेके मैदान में आ चुके हैं। अब ये लोग नई यकियां लेके आ चुके हैं, नई ड्रामेबाजियां लेके आ चुके हैं, ताकि हमें थोड़ी सी हो ओवर जो है वो हाइप मिले, हमें थोड़ा सा और प्रोटोकॉल मिले, लेकिन अब प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा सर, आप प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। फिर ऊपर से आप ये यकिया कर रहे हो कि जी पाकिस्तान के 5 दिनों में आप 3 वर्ल्ड कप के मैचेस रखवा रहे हो, ये कहाँ का स्केड्यूल है, ये कहाँ के मसले हैं, पाकिस्तान टीम को 20 ओवर के मैच तो खेलेगी नहीं, आप 5 दिनों में पाकिस्तान के 3 जो है वो मैच करवा रहे हो 50 ओवरों के, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इंडिया अंदर ही अंदर प्लान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आईसीसी का इवेंट है यार, आईसीसी शेड्यूल लेके आता है, आईसीसी भी अंदर बैठा होता है जब शेड्यूल हो रहा था ना, आईसीसी भी अंदर बैठा हुआ था। ये बातें करनी छोड़ दो, ये बच्चों वाली बातें करनी छोड़ दो, ये आपको मैच्योर नहीं बनाएंगी। मतलब यार पीसीबी चेयरमैन जक्का अशरफ खुद बैठा था ना जय शाह के पास, सब कुछ चीजें सॉल्व करके आया। अब ये जो मीटिंग हुई है, अब जी फाइनल मिनिस्टर साहब ने बोल दिया जी हम तो जा ही नहीं रहे इंडिया, हमें तो जितने भी सिक्योरिटी प्लान है इंडिया के वो तो मंजूर ही नहीं है, हम तो सेटिस्फाइड ही नहीं है इससे, हमें लिख के गारंटी दो, हमें ये करो, हमें वो करो, तमाश भी नहीं है यार। ये पाकिस्तान जाएगा इंडिया, आप मुझे अब जितने भी मेरी बात सुनो, जितने भी मेरे इंडियन फैंस देख रहे हो जहाँ जहाँ से मर्जी देख रहे हो, बताओ यार इंडिया की सिक्योरिटी नहीं ठीक है? जब दूसरी टीमें आती हैं उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नहीं दिए जाते अच्छी तरह, अब ये मुझे आप लोग बताओ। और जो अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, क्या अहमदाबाद की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है? आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि तो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, आप लोग इंडिया में रहते हो, आप लोग मुझे अच्छा बता सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बोल रहा है कि आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और आपने ये मुझे नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सिक्योरिटी का क्या मसले चल रहे हैं, और आपने इस हवाले से जो भी मसले हैं ना अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताने। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।